हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप मुझे देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम आपके लिए लेकर आते हैं वो खास इन्फॉर्मेशन, वो खास जानकारियां जो आपको जानना जरूरी है। मेरे साथ में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं, ये कहा जाए ये बेहद खास है, ये घुमक्कड़ भी हैं, ये लेखक भी हैं और ये दुनिया को अपने नजरिए से कैद करते हैं। कार्तिकेय लाडा हैं। और कार्तिकेय, मैं आपको कैसे इंट्रोड्यूस करूं? आप लेखक हैं, घुमक्कड़ हैं और आपकी एक किताब मेरे हाथ में है, अनहर्ड। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी इस अनहर्ड को बताइए, क्या है अनहर्ड? तो अनहर्ड एक किताब ही नहीं, एक मूवमेंट है जो कि मैंने कहानी के माध्यम से लोगों को पहुंचाना चाह रहा हूँ। ये एक फिक्शनल कहानी है, मेरी कहानी नहीं है। तो ये कहानी हर किसी की कहानी है, हर इंसान इसको पढ़ के कोई ना कोई तरीके से कनेक्ट कर पाएगा, क्योंकि ये कहानी लोगों के अंदर जाने की शक्ति, लोगों को समझने की शक्ति, अपने आप को, दूसरों को, और ये दुनिया क्या है, हम क्यों यहाँ आए हैं, ये एक कहानी के माध्यम से ये आंसर्स प्रोवाइड करता है बहुत ही सिंपल और ईजी वे में। तो ये एक अनहर्ड जो कॉइन किया है मैंने टर्म, वो हर्ड माइंडसेट जो होता है, भेड़ चाल जो हम समझते हैं हिंदी में, उससे कैसे हम निकले, उससे कैसे हम टूटे और कैसे हम अपने अंदर करेज फाइंड करें, लव फाइंड करें, विजडम फाइंड करें, स्ट्रेंथ फाइंड करें, टू ब्रेक आउट ऑफ द हर्ड माइंडसेट, क्रिएट अ न्यू लाइफ, क्रिएट समथिंग अल्टरनेटिव एंड बी एबल टू डू समथिंग डिफरेंट इन लाइफ एंड फॉलो आवर हार्ट। ये अनहर्ड है। ये आपकी पहली बुक है? ये मेरी तीसरी किताब है। तीसरी है। इसके पहले मुझे लग रहा है ये ड्रीम बियॉन्ड शैडोज और एंड लाइफ अनोन, ये आपकी बुक्स है, राइट? यस यस। तो वो भी फिक्शन बेस्ड है या नॉन फिक्शन? तो वो जैसे आपने घुमक्कड़ शब्द का, वो मेरे घुमक्कड़ के समय की किताबें हैं। तो पहली किताब ड्रीम बियॉन्ड शैडोज, जब मैं अमेरिका में रहता था उसको छोड़ के मैं साउथ अमेरिका गया, वहां पे बेस्ड है पहली किताब, तभी मेरा राइटिंग करियर शुरू हुआ। तब मैं अमेजोन जंगलों में रहा, वहाँ के इंडिजिनस लोगों के साथ मिला, तो मेरी लाइफ काफी चेंज हुई। तो ड्रीम बियॉन्ड शैडोज वहां से आती है, उसके बाद लाइफ अननोन इंडिया बेस्ड है। और मुझे लगता है कार्तिक, ये लोग बड़ा सुनने में इंटरेस्टेड होंगे कि क्योंकि सभी घूमना चाहते हैं, मुझे लगता है चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन उसके तरीके क्या हो, अपनी लाइफ के साथ, अपने ऑफिस के साथ, अपने वर्क के साथ उसको कैसे मैनेज करें, मुझे लगता है ये जो आज के युवा है वो जरूर सुनना चाहेंगे। लेकिन मैं उस पर आऊं, उसके पहले मुझे ये जरा बताइए कि अनहर्ड का कॉन्सेप्ट आपके मन में कैसे आया, आखिर ये किस तरह की स्टोरीज को समेटे हुए ये बुक है? एक्चुअली अनहर्ड का कॉन्सेप्ट कोविड के समय आया, क्योंकि कोविड वर्ल्ड में हिट किया, उस समय सब लॉकडाउन थे, बट मैं नहीं था, मैं घूम रहा था कोविड के समय, कोविड में भी मैं पूरे इंडिया में, क्योंकि मैं एक काइंड ऑफ पद यात्रा पे था, तो मैं अपने वॉक करके गाड़ी से जो भी मेरे को साधन मिल रहे थे, मैं उस समय भी घूम रहा था इंडिया में। तो उस समय मैंने लोगों की बहुत सफरिंग देखी, फियर देखा कि कैसे लोग डर गए थे, कैसे लोग दूर हो गए थे एक दूसरे से। तो और उस बहुत सारी चीज़ें हुई कोविड में, एक बहुत ही ग्लोबल चीज़ थी जो पूरी दुनिया में हर किसी को इफेक्ट करी कहीं ना कहीं पे, मानसिक स्तर पे काफ़ी समय में। तो लोग काफ़ी लोगों ने सोचा भी कि ज़िंदगी किस लिए है, क्या है, क्यों है, क्योंकि एक फोर्स्ड रिट्रीट हो गई थी भगवान से, यू नो, कि आप बैठिए घर पे। तो ये जो स्टोरीज हैं, ये उसी दौर के एक्सपीरियंसेस, लोगों की परेशानियां, उनकी स्टोरीज को समेटे हुए ये अनहर्ड। तो इन सम वेज यस, कहानियां उनकी नहीं है, पर जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो सेम है, कि हर इंसान किस तरीके से सोचता है, क्या चाहता है जिंदगी में, क्या वो खुशी पाना चाहता है, वो सारी जो बेसिक्स, रूट फाउंडेशंस हैं, वो इमोशनल की तरीके जो मैं समझ पाया एज अ राइटर, एज एन ऑब्जर्वर, वो मैंने इसमें कहानी के समय उतारा। तो ये कहानी मैंने सोची नहीं थी बिल्कुल भी, ये बस मेरे को चैनल हुई है पूरे कोविड के समय में, उसी समय में मैंने ये लिखा है ये कहानी पूरी। कार्तिक, वैसे पूछना नहीं चाहिए आपकी उम्र क्या होगी? उम्र पता नहीं मैं सोचना छोड़ चुका हूँ उम्र के बारे में। नहीं, मैं इसीलिए पूछना चाह रही हूँ क्योंकि जैसा आपने बताया था कि आप भारत, दुनिया को अपने तरीके से आप घूम रहे हैं, और भारत के कई हिस्सों में कार्तिकेय ने वॉक करते हुए, यानी कि पदयात्रा करते हुए चीजों को एक्सप्लोर किया है। मैंने पूरा साउथ चल के देखा हुआ है, वॉक करके आप पूरा 1000 किलोमीटर कन्याकुमारी टू गोवा, आई हैव सीन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हिमालयस वॉक करके। सीरियसली? और कितना, लगभग कितना टाइम लगा होगा? ये मैं 3-4 सालों तक सिर्फ भटका ही हूँ, तो इट वॉज अ लॉन्ग। सबसे खास एक्सपीरियंस अपने इस पूरे दौर का आपको क्या लगा? तो बेसिकली
ये हम भटकना कहते हैं, घुमक्कड़ी कहते हैं, बट मेरे लिए ये सारे समय साल एक खोज थी, खोज अपने अंदर की, बाहर की, भगवान कह लो या अपने अंदर क्या हम क्यों आए हैं, क्या करने आया हूँ मैं, तो ये सारी एक खोज थी। तो वही खोज चल रही थी, जो अंदर थी वही बाहर दिख रहा था, तो इतना मैं घूम रहा था क्योंकि अंदर भी मैं घूम रहा था। तो यही लाइक एवरीथिंग इज अ रिफ्लेक्शन, जो हमारे अंदर है वही हमारे बाहर होता है हमारे थ्रू। तो हमारे अंदर प्यार है तो बाहर भी प्यार होगा, अंदर नफरत हो तो बाहर भी नफरत होगी। तो इट्स वेरी सिंपल, लाइफ इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड।